कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आऊं, इस गौरव के साथ काम करता हूं। और गधा उसकी पीठ पर चीनी हो या उसकी पीठ पर चूना हो, गधा कभी भेद नहीं करता है। चीनी हो तो ज्यादा चलना, चूना है तो नहीं चलना, ये गधे का स्वभाव नहीं होता है। वो तो उन लोगों का होता है जो भ्रष्टाचार में डूबे होते हैं, किस रंग की नोट टेबल पे आई है उस रंग के हिसाब से काम करते हैं, गधा ऐसा नहीं करता है। और अखिलेश जी, जिन गुजरात के गधों को, उन गधों पे आपको इतनी नफरत है, लेकिन वही गुजरात है जिसने दयानंद सरस्वती को जन्म दिया था, वही गुजरात है जिसने महात्मा गांधी को जन्म दिया था, वही गुजरात है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया था, अरे वही गुजरात है भगवान कृष्ण ने यहां से जाकर के वहां बसना पसंद किया था। और इसलिए अखिलेश जी, ये देश हमारा है, हर कोना हमारा है, ये नफरत का भाव आपको शोभा नहीं देता है। भाइयों बहनों, अखिलेश जी के अज्ञान के संबंध में तो मैं क्या कहूं, लेकिन अच्छा होता कि जिनको आपने गले लगाया है उनको भी जरा गौर से देखते, उनको भी जरा समझने का प्रयास करते। आपको पता होना चाहिए जिनको आपने गले लगाया है, उनकी जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जिनके गले लग करके आप लोगों से वोट मांग रहे हो, उस यूपीए सरकार ने 2013 में इसी गधों का पोस्टल स्टैंप निकाला था। यूपीए सरकार ने इन्हीं गुजरात के गधों का डाक टिकट निकाला था, डाक टिकट निकाला था। अखिलेश जी, वो गधा कितना होनहार होगा, वो गधा कितना महत्वपूर्ण होगा, ये अब आपको समझ में आ गया होगा।